नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको खाद्य सुरक्षा पोर्टल से संबंधित एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। साथियों, जिन्होंने भी जिनके भी राशन कार्ड चालू नहीं है या किसी का नाम नहीं जुड़ा है उनके लिए, या नया राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़वाना चाहते तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है साथियों। तो साथियों, आपको पोर्टल से संबंधित खबर बताने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी YouTube परिवार के लिए मैंने एक WhatsApp ग्रुप बना रखा। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ऐसी कोई सुविधा किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दे रखी है आपको। मैंने साथियों आपको फोन कॉल की सुविधा दे रखी है, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो साथियों, मैं आपको ले चलता हूं जानकारी की तरफ। तो साथियों, हमें कुछ अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि जल्दी, ऐसे मान लो इसी महीने में आपका खाद्य सुरक्षा का पोर्टल ओपन होने वाला है। और जिन्होंने जिनके भी नाम नहीं जुड़े हुए हैं तो वो नाम जुड़वा सकते हैं। और दूसरी बात कि खाद्य सुरक्षा में बिल्कुल पूर्णतया राशन कार्ड चालू नहीं है, बिल्कुल नए राशन कार्ड चालू किए जाएंगे। और दूसरी बात, 2022 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनके फॉर्म अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए या किसी कारण से पेंडिंग है, तो उन फॉर्मों को भी साथियों अप्रूव किया जाएगा। और एक चीज और बता देता हूं साथियों आपको मैं, जिनको भी राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है या राशन कार्ड पेंडिंग है या फिर राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का जो सेंड बैक है या फिर कोई भी राशन कार्ड, नया राशन कार्ड जनरेट करने के लिए आपको साथियों एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ई श्रमिक कार्ड जरूर बनवा लेना है, क्योंकि बिना ई श्रमिक कार्ड के अब आपका नाम भी, अब बिना इस श्रमिक कार्ड के आपका राशन कार्ड चालू नहीं किया जाएगा। या फिर आप लेबर कार्ड बनवा सकते हैं, लेबर कार्ड के माध्यम से भी आपका राशन कार्ड है वो चालू किया जा सकता है और आप राशन ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। और साथियों, आपको राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आपको ई श्रमिक कार्ड तो बनवाना ही पड़ेगा, ई श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड आपको बनवाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास में नहीं है और आप राशन कार्ड से गेहूं लेना चाहते हैं तो आप जल्दी ही खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू होने से पहले पहले आप अपना जो ई श्रमिक कार्ड है और लेबर कार्ड है वो जल्दी ही बनवा ले। इससे क्या होगा, आपको जब भी पोर्टल खुलेगा उसमें आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी और आपका जो राशन कार्ड है बहुत ही जल्दी चालू हो जाएगा। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।